ये है जो गूगल में दिखाते हैं, होटल इन सिंजी जो मैं पढ़ रहा हूँ, होटल एक्स हॉस्पिटैलिटी सप्लाई सेंटर। तो ये देखिए कितना बड़ा वो है। तो दिखाने का मकसद ये है कि शायद किसी का भला हो जाए, इफ़ समबडी इज़ इंटरेस्टेड। तो एवरीथिंग इज़ ह्यूज। अब ये है सेरेमिक, पता नहीं क्या बोर्ड ड्रेन, छोटी से कोई चीज़ रखी नहीं, या तो अल्लाह मियाँ ने आबादी दी है तो जगह भी खूब है इनके पास। सो दे मेड द बेस्ट यूज़ ऑफ एवरीथिंग, बेस्ट यूज़ ऑफ आबादी, बेस्ट यूज़ ऑफ, आई थिंक आई एम गोइंग ऑन द रॉन्ग साइड। क्या है ये जीदा के नाम से, और मोस्टली जो है ना एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट, डॉलर डॉलर डॉलर, ये इनके लोकल के लिए नहीं है। हमें डेफिनेटली इतनी बड़ी कंजम्पशन है तो लोकल भी यहाँ से लोग लेते होंगे, लेकिन फोकस इनका एक्सपोर्ट की तरफ ज़्यादा है, जो सेटअप है इकॉनमी का। दुनिया में इतना सस्ता सामान दे दो, अभी ये इक्विपमेंट्स के मैंने, अच्छा वाओ, हम इस तरफ आगे जहाँ मैं आना चाह रहा था, वाओ आई डिडंट नो दैट, नाउ आई मेड इट। ये इलेक्ट्रॉनिक की कोई बड़ी मार्केट है लुक लाइक, क्योंकि जो एंट्रेंस से अंदाज़ा हो रहा है। हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे आऊँगा इस तरफ, लेकिन मेरा तुक्का लग गया। ये मेरा तुक्का लग गया, यूनिक किस्म का स्टफ है, बड़ी बातें हैं। यहाँ सारा जो है ये बेसिकली ये सेरेमिक वगैरह का सामान, नाउ आई सी वॉलपेपर्स, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सामान है यहाँ पर। आई थॉट इलेक्ट्रॉनिक्स का नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स का नहीं है, पैनासोनिक देख के मैं ज़रा इलेक्ट्रॉनिक समझा था, बट इट्स नॉट। ओ माय गॉड, दिस इज़ सच अ यूनिक थिंग, इफ इट इज़ रियल, इट इज़ रियल। ये कार्विंग की है फोक्स उस पर लकड़ी के ऊपर, इसका बॉटम देख के अंदाजा लगा सकते हैं। आई डोंट थिंक सो कि ये इन्होंने प्लास्टिक से बनाया है। आई डोंट नो, नाउ डेज एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो ये है फोक्स कैरम है, ज़्यादातर ये फैंसी दरवाज़े, फैंसी लाइटिंग और वॉशरूम से रिलेटेड सामान। इतना दूर जाने की हिम्मत तो नहीं है। ये जो क्या नाम है, ये देखें ना, एक से एक शैंडलियर, वाओ, आई हैवंट सीन दिस काइंड ऑफ शैंडलियर्स। की टाइल्स वगैरह कि समझो बड़े होलसेलर, बड़े सप्लायर ऑफ होम डिपो स्टाइल स्टफ। तो चलना भी मुश्किल हो जाता है। कारपेट्स जो पैनासोनिक की है, लाइटें नाम है उसका, बेसिकली लाइटिंग का वो सामान है। तो मेरा ख्याल है इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, तो वापसी पकड़ लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ना इस तरह के टॉयलेट ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं,
हम लोग अब इसके इतने आदि हो गए हैं इन चीज़ों के दूसरे वाले के, उसको यहाँ पर स्टैंड आउट कहते हैं, कमोड को यहाँ पर स्टैंड आउट कहते हैं। तो आज एक रेस्ट हाउस में कल मैं गया था तो उनमें 3 कमरे थे और 2 वॉशरूम थे जिसमें एक स्टैंड आउट था। तो हर घर में जो है ना अभी स्टैंड आउट होता है, हम लोग तो कंप्लीट स्टैंड आउट पे आ गए हैं, लेकिन यहाँ पाकिस्तान वाला स्टाइल है कि हर घर में बुज़ुर्गों के लिए स्टैंड आउट होगा और जवान नस्ल जो है इसके ऊपर। अभी लाइट है यहाँ पर इस स्पेशल किस्म की, ये देखें। ओ वाह, में गिर आ रहे हैं, फिर भी इट इज अ गुड एक्सपीरियंस टुडे। लेट मी सी दिस, बहुत ब्राइट है। वाओ, फूल की जगह पे दे नो व्हाट दे आर डूइंग, ट्रस्ट मी they know what they are doing, they gain the height of everything। तो फॉक्स ये था आज का सफ़र, मैं इसको यहाँ पर बंद करता हूँ। काफ़ी सैर कर ली आप लोगों ने, टांगें मेरी टूटी सैर आपने की, ये फैंसी किस्म का फर्नीचर है जो मीटिंग रूम वगैरह में होता है। तो वहाँ से यहाँ पर आने के लिए सामने की लेफ़्ट साइड की बिल्डिंग है, वहाँ से मैं देख के ललचा रहा था कि शायद ये इलेक्ट्रॉनिक की, क्योंकि अब मैंने क्या नाम है, एक ब्यूटी की रह गई है, एक प्रिंटिंग वाली इंडस्ट्री रह गई है जहाँ पर वो की कार्ड्स वगैरह बनते हैं, और मेरा अब क्या रह गया है, दैट्स इट प्रीटी मच। तो आई कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द बिग मार्केट्स जस्ट टू गेट टू सी एंड टू शो टू द जनरल पब्लिक। इट्स ह्यूज, यहाँ से मैं एंटर हुआ था। ओके फोर्स, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। फोक्स, मैं यहाँ पर कॉफ़ी ले रहा हूँ, क्या नाम है, अमेरिकानो है, इट्स 18 क्वाय आर यूएन, और इनका जो स्टाइल है ये देखें, पैसे देने का, दे ऑलवेज यूज बोथ हैंड्स, लेस रिस्पेक्ट, आई रियली लाइक इट। 70, how much is that? 18, so 70, oh okay, that's perfect, she knows, you know math, she knows mathematics। So ye inka hai change 18, it's a good coffee, you made it, it's very hot, don't worry about it, I'm Canadian so I like hot coffee। No, it's okay. No. Thanks. Canadians eat drink a lot of coffee. You know that.
You drink a lot of coffee. Yeah, this is my fifth. Fifth of the day. The fifth. And all large from McDonald's. So I couldn't, I passed by, I saw this coffee shop, I say I'm going to drink when I come back. So I'm going to relax a little bit and enjoy the coffee. Where are you from? Canada. Canada? Yeah, that's what I said. Canadians drink a lot of coffee. We drink 5 to 7 coffee a day. Five to seven coffee a day. To seven coffee. Yeah. A day. So much. It's a cold country, very cold, you know. Very cold. So we have to drink. Don't worry, it's good. Thank you. It's a nice decor, you can see. It's a nice coffee joint. It's really good. The beans are really good. Freshly brewed. Grind kiya isne. I wish I would have seen you, shown you. Oh man, I walked a lot. So, let me talk to you guys. Folks, ye hai yahan ki dastaan. It's a very, very big country. It's a very, very big city. Aur jo metro system hai, इतना अमेजिंग है. मुझे अभी बसेस का चूँकि अंदाज़ा नहीं है, विच आई एम ट्राइंग टू कि मुझे बस का पता लग जाए तो मुझे शायद मेरी तकलीफ़ आधी हो जाए. और दोनों तीनों चीज़ें हैं, मिक्सअप हैं. ट्राम भी है, बस भी है, मेट्रो भी है. सो फार आई नो 100% ऑफ द मेट्रो सिस्टम हियर. 100% 3 वीक में मेरी यही एक अचीवमेंट है. 2.5 वीक एंड डेफिनेटली आई विल बी बैक. मैं हर एक को रिकमेंड करता हूँ कि यहाँ पर आए और अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश करें, क्योंकि यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ है. अगर आपकी एक भी आइटम क्लिक कर जाती है तो डेफिनेटली यू कैन डू समथिंग गुड आउट ऑफ इट. तो इसलिए डोंट बी शाय. बहुत सस्ता है और इस हद तक सस्ता है कि मैं आपको कह सकता हूँ कि मेट्रो में आज मैं बैठ के कैलकुलेट कर रहा था कि मैं 2.5 वीक मैं 25 को यहाँ पहुँचा था और अब तक मैंने ऑलमोस्ट 200 UN के बस पास लिए हैं. तो 200 का मतलब $40 के अंदर मैं पूरा शहर या टोटल मैक्सिमम मेरा $60 लगेगा. तो $60 के अंदर मैंने जो है ना ऑलमोस्ट आई कवर्ड द होल सिटी. आई वुड से दैट आई हैव बीन टू सो मेनी प्लेसेस. तो किसी भी शहर को अपलिफ्ट करने के लिए जो सबसे मेन चीज़ है वो उसका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है. और ट्रांसपोर्टेशन यहाँ की अनबिलीवेबल है. कम्यूट इज़ अनबिलीवेबल. अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं टैक्सी इज़ एक्सपेंसिव ऑब्वियसली. कहीं की भी टैक्सी महंगी होती है, लेकिन यू डोंट हैव टू अनलेस यू हैव टू आई मीन कैरी अ लॉट ऑफ लोड. अगर आपके पास ज़्यादा सैंपल्स हैं या आपकी बाइंग्स हैं या आपको फैक्ट्रीज में जाना है, और मोस्ट ऑफ की दुकानें जो हैं वो फैक्ट्री में अगर है तो वो लेके जाते हैं खुद ही. तो दिस इज़ अमेजिंग प्लेस. स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ और वन शुड यूज़ इट. वन शुड टेक द एडवांटेज ऑफ दिस. मैं हर और बहुत सस्ता है टिकट से लेके हर चीज़. अच्छा, होटल की हद तक ये है कि अनलेस आप हाई फाई हैं, आप बड़े होटलों में रहें. अब तक मैं $20 पर नाइट के होटल पे रहता रहा हूँ. इट्स अ वेरी बजट होटल. इससे भी अगर कोई जवान हैं तो वो हॉस्टल्स में भी जा सकते हैं और वो $10-11 का है. विच आई डोंट रिकमेंड इन अ सेंसेस के अगर आपको सारा फिर सामान लेके चलना पड़ेगा, लेकिन उसमें भी आसानियाँ होती हैं. आप फ्रंट डेस्क पे रख दें तो मैं उसको बिल्कुल ही रिजेक्ट नहीं करूँगा, लेकिन मुझे अपना सेपरेट वॉशरूम चाहिए था डेफिनेटली फॉर पाकी नापाकी के लिए. आपको सिर्फ एक बेड चाहिए होता है और बेड के ही जितनी जगह खाली होती है उसमें आप चाहें तो नमाज़ पढ़ लें या फिर बैठ के पढ़ लें नमाज. मुसलमानों के लिए मक्का एंड मदीना ये दो पाकिस्तानी होटल हैं. और भी हलाल जॉइंट्स बहुत सारे हैं, पर्टिकुलरली ये सिंह कैंग के जो मुसलमान हैं उनकी हलाल की बहुत सारी जगह हैं. मसाजिद
दो मसाजें, चार मस्जिदें जो गूगल के ऊपर आती हैं उसमें दो जो हैं, एक सात बिन अबी वकास मस्जिद है, एक हौशिंग मास्क है। हौशिंग मास्क भी जो है सात बिन अबी वकास के रेफरल से ही है, लेकिन कल मैं उसके बारे में पढ़ रहा था और उसकी हिस्ट्री आज मैं दोबारा गया था, चूँकि अब मैंने जो होटल लिया उसके बिल्कुल सामने लिया है, तो वहाँ पर फंदक जिन करके, जिन होटल JIN करके है। मैं अगर हुआ बाद में तो मैं मज़ीद इसके बारे में लिख दूँगा, ये बता दूँगा। तो मुझे आज वो 100 UN के अंदर मिल गया, वो बहुत ही रिजनेबल साइज़ था। मेट्रो से सीमन खो करके मेट्रो स्टेशन है, एग्ज़िट B से निकलना होता है, और किसी से भी पूछ के 56 गंगनाटा रोड समथिंग लाइक दैट, उस पर जाके आपको वो होटल मिल जाएगा। साथ ही उसके हलाल फूड है, हलाल दुकानें हैं, ग्रोसरी है, सारा कुछ है। तो एक मेरा मैक्सिमम टोटल जो ख़र्चा हुआ होगा 3 वीक में $2000, तो $2000 में ये भी मैं बढ़ा के बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें 2 चीज़ें मैंने ख़रीदी हैं, अपना गिम्बल वगैरह ये वो, तो $100 का तकरीबन, $90 का वही था। तो इट्स अ वेरी बजट काइंड ऑफ ट्रैवलिंग। आई बिन 4-5 प्लेसेस फ्रॉम साइट सीइंग पॉइंट ऑफ व्यू। कैंटन टावर है जिस तरह, आपका चिमलांग सफारी पार्क है, और 2-3 जगहों पे मैं गया हूँ, याद भी नहीं है। तो आई रिकमेंड एवरीबॉडी। तो फोक्स मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ इसको, वीडियो को। थका हुआ था तो मैंने ये पूरा एक वो दिया है, और आप गुआंगझो आए, गुआंगझो यहाँ से शेंज़न लगा हुआ है बिल्कुल ही, 80 UAN के अंदर मिल जाता है। बुलेट प्रूफ ट्रेनें हैं, बुलेट प्रूफ कह रहा हूँ, बुलेट ट्रेन्स हैं, स्पीड हाई स्पीड ट्रेन्स, वो 30 मिनट्स में वहाँ पहुँचा देती है। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा तो शेंज़न को कवर करूँगा, लेकिन आई हैव कवर्ड गुआंगझो प्रीटी मच। ओके फोक्स, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी वीडियो को, इट्स अ वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो विच आई मेड इट, एंड अगर किसी को कोई गाइडेंस चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दें, डेफिनेटली आई विल रिस्पॉन्ड टू दैट। ओके फोक्स, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।